जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो SSCET मेडिकल के लिए बच्चों का बहुत सारे डाउट्स है, तो SSCET मेडिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के सीजन में आपका, इसलिए मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया, मेडिकल सामने है तो कैसे फिट रहे। तो फिट होने के लिए आपको 2 से 3 टिप्स को डेली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका कोई भी हाथ में प्रॉब्लम है, लेग में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, आपका आँख में कोई प्रॉब्लम है, आपका लेग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को फिट रखते हैं। तो फिट अगर नहीं हो पाता फिर भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से बहुत बढ़िया आपका बॉडी हेल्दी रहेगा और खाना डाइट प्लान को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखो और एक एक टिप्स को डेली फॉलो करो। आप मॉर्निंग टाइम आप अपने ग्राउंड पर डेली जाइए, ग्राउंड करते हैं तो बहुत बढ़िया। ग्राउंड में जाकर आप बिल्कुल स्लो होकर रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करने से हमारा बॉडी का जो भी नेगेटिविटी, जो भी हमारे शरीर का खाना हजम तो होता है, उसका नेगेटिविटी अंदर रह जाता है, तो उसको आप रनिंग से करने से आपका बॉडी बहुत बढ़िया फायदा होगी, आपका नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और अपने माइंड भी कंट्रोल में रहेंगे फ्रेश होकर। आपका अगर हाथ में कोई भी कैरी एंगल का प्रॉब्लम है तो आप कैरी एंगल का मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देखकर अपना बिल्कुल एक्सरसाइज करके अपना ठीक कर सकते हैं। किसी का दांत में प्रॉब्लम है तो दांत के प्रॉब्लम अगर कोई भी साथियों का है तो आप दांत का प्रॉब्लम डॉक्टर से इलाज करके वॉश करके फिर जाइए, ठीक है। अगर किसी का देखा हाथ में टैटू है, टैटू के वजह से उसका मेडिकल में कैंसिल होने वाला है, तो आपका कोई भी टैटू है तो डॉक्टर दिखाइए। छोटा खाटा टैटू, बड़ा टैटू तो आपका फेल होने वाला है। तो छोटा खाटा अगर है मेरे पे ही है देखो, तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने मुझे इतना छोटा करके एक ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। तो ऑपरेशन करके आपका अगर कोई भी है समस्या तो आप डॉक्टर से इलाज करवा कर फिर उस सर्टिफिकेट को लेकर मेडिकल में जाइए, आपका बहुत बढ़िया हेल्प होगी। आप मेडिकल में फिट होकर पास कर जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे BSF में जाकर, CISF में जाकर। तो साथियों मेडिकल का कोई भी आप अगर आपका प्रॉब्लम है 1 से 2-3 प्रॉब्लम तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, आपके लिए वीडियो एक अलग पोस्ट करेंगे। तो एक बच्चों का कमेंट आया कि पेट का समस्या, तो पेट के समस्या के लिए आपको खाना अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। इस गर्मी के सीजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट खाना ना खाइए, स्नैक्स, तेल जातीय जिनिस, तो आप तेल जातीय जिनिस ना खाइए, बिल्कुल आपने सब्जियाँ खाइए, रात में रोटी खाकर सोइए और दाल जातीय जिनिस ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो आपके कोई भी अगर परेशानियाँ है तो आप मॉर्निंग टाइम रनिंग करके अपना बॉडी को बिल्कुल हेल्थी रख सकते हैं और फिट रख सकते हैं। तो SSCET मेडिकल के लिए देखो, इधर से जो भी सारे बच्चों कैंप में आते हैं रनिंग करने के लिए, तो मैं कैंप के पहले रनिंग करने से पहले आपको एक टिप्स डेली बताऊंगा और बताते रहेंगे कि आपका जो भी रनिंग का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अच्छी तरह होगा आपका डाइट प्लान से, तो डाइट प्लान अच्छी होगी तो आपका बॉडी हेल्थी रहेंगे। अगर उल्टा पलटा खाना कोई भी साथियों खाते हैं तो आपका बॉडी अनफिट होने का चांस है। तो बिल्कुल हमारे पास 2-3 महीने टाइम है, तो 2-3 महीने के अंदर आप अपने बॉडी को हेल्थी रखें SSCET मेडिकल के लिए। बच्चों का डाउट है, फीमेल कैंडिडेट भी बहुत सारे साथियों है कि ज़्यादा हमारा हाथ पसीना आ जाता है, हाथ में पसीना तो आपका फेल होने वाला है। तो हाथ में पसीना आए तो डॉक्टर से जल्दी दिखाओ। अगर कोई भी आपका नाखून का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा कर फिर आपने मेडिकल में जाइए, आपका मेडिकल अच्छी तरह रहेंगे और BSF में CISF फौज में जाकर आप पास करके अपना देश की रक्षा करेंगे। तो इससे बढ़िया खुशी क्या है, SSCET मेडिकल के लिए ये सबसे बढ़िया टिप्स है, आप डेली फॉलो करें।